हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कैट कोड। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता है। तो गाइस, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाइथन की एक लाइब्रेरी केंटर, उसकी पूरी पूरी सीरीज। इस सीरीज में हम पाइथन की लाइब्रेरी केंटर को अच्छी तरह से सीखेंगे और इस पर बेस एप्लीकेशन को बनाना सीखेंगे। हाँ गाइस, आप विश्वास नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन इस सीरीज के बाद आप अपने बनाए हुए नोट पैड आप अपने बनाए हुए नोट पैड पर सारा काम करोगे। आप अपने बनाए हुए कैलकुलेटर पे सारी कैलकुलेशन करोगे, यहाँ तक कि आप अपने बनाई हुई क्लॉक में से टाइम भी देख सकते हो। वही ये सारे के सारे एप्लीकेशन हम प्रिंटर की मदद से बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट, सबसे पहले प्रिंटर क्या है ये तो आपको पहली लाइन से पता पड़ गया होगा कि एक लाइब्रेरी है पाइथन की, जिसकी मदद से हम GUI एप्लीकेशन बनाते हैं। तो पीसी में पाइथन इंस्टॉल होना चाहिए, वर्जन कुछ भी हो, और आपको बेसिक पाइथन नॉलेज होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बेसिक पाइथन नॉलेज नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंटर बहुत इजी लैंग्वेज है और आप बहुत जल्दी से सीख जाओगे। तो गाइस, अगर वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल होगा, अगर आपको कोडिंग से रिलेटेड कोई भी इशू आता है तो उस जीमेल पर हमें मेल कर दें। वीडियोस पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और गाइस आप अपने हमारे चैनल पर भी नए हो तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट के लिए, क्योंकि जब भी हम अब इस सीरीज में सारी की सारी वीडियोस सीरियल वाइज देखना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही आप कोई भी GUI एप्लीकेशन बनाना सीखोगे। तो गाइस, वीडियो में मिलते हैं कोडिंग के साथ। मैं कोडिंग करूँगा विजुअल स्टूडियो कोड में, आप कोई सा भी अपना स्पाइडर हो, पाइथन का जो आता है आइडियली वो हो, आप कोई सा भी अपना आइडियली यूज कर सकते हो। मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहा हूँ, आप इसे इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। तो गाइस, प्रिंटर की सीरीज को हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।